बगहा में पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट और को लोको पायलट ने अपनी जान का रिस्क लेकर बीच पुल खड़ी ट्रेन की मरम्मत की। इस दौरान लोको पायलट ट्रेन और ट्रैक के बीच रिंगते हुए फॉल्स वाली जगह तक पहुंचे। वहीं साथी ने पुल से लटक कर तार खींचा जिससे ट्रेन फिर से स्टार्ट हो सकी। इस पूरे वाकये का वीडियो सामने आया है। दरअसल गोरखपुर से नरकटियागंज तक जाने वाली 054-7 सवारी गाड़ी के इंजन में एयर लीकेज हो जाने के कारण ट्रेन वाल्मीकि नगर और पनियहवा के बीच पुल पर रुक गई। जैसे ही ट्रेन वाल्मीकि नगर रोड स्टेशन से खुली यूएल वॉल्व से लीकेज होने लगा और गाड़ी के M298 बीच पुल संख्या 382 पर खड़ी हो गई। बीच पुल ट्रेन रुक जाने से पैसेंजर्स में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूएल वॉल्व पुल के बीचों बीच लीक हुआ था। ऐसे में लीकेज को बंद करना एक चुनौती थी। इस इमरजेंसी वाली स्थिति में ट्रेन के लोको पायलट अजय यादव और सहायक लोको पायलट रंजीत कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना पुल पर होते हुए ट्रेन के नीचे पहुंचे और वॉल्व को ठीक किया, जिसके बाद ट्रेन सुरक्षित आगे के लिए बढ़ सकी। जब इंजन में एयर लीकेज की समस्या आई और ट्रेन रुक गई तो यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन लोको पायलट अजय यादव और रंजीत कुमार ने अपनी साहस दिखाते हुए तुरंत समस्या का समाधान खोजा। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने इंजन को ठीक करने का कार्य किया। इस साहस के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा दोनों को पुरस्कृत किया जाएगा। DRM बीना श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को ट्रेन का वॉल्व खराब हो गया था, जिसमें लोको पायलट और सहायक ने ट्रेन के नीचे उतरकर ठीक किया, जिसके लिए रेलवे उन्हें ₹10,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित करेगा। उन्होंने बताया कि डबलिंग कार्य को लेकर उस पुल को भी बदला जाएगा।